such a joyous moment, emotional moment. दोस्तों 10th Jan 2018 को पहला एपिसोड गया था. 1000 एपिसोड हो गए हैं, 3 साल 2 महीने हो गए हैं. हमारी जो टेक न्यूज है वो जब से हमने चालू की है. आपको पता है 3 साल और 2 महीनों में सिर्फ ऐसे 2 बार हुआ है कि हमारी टेक न्यूज मिस हुई है, वो भी दिवाली की. वैसे 2 दिवाली के दिन थे, बाकी 1 बार भी हमने मिस नहीं किया. वैसे दोस्तों आप देख रहे हो सेलिब्रेशन. ये टेक न्यूज चालू करने से पहले पूरी टीम साथ में आई, हमने केक कट किया. लेकिन दोस्तों टीम तो एक बात है, आप लोगों की वजह से. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू. आपने हमें अच्छा कहा, आपने हमें फीडबैक दिया, नेगेटिव चीजें बताई, और ये सब चीजों की वजह से आज हम इधर पहुंचे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे. एंड वी विल गिव यू बेटर टेक न्यूज. एवरी टेक न्यूज जो होगी वो अच्छी होगी, उससे भी ज्यादा अच्छी होगी. सो एक्सपेक्ट सम रियली बिग थिंग्स. इसी के साथ चालू करते हैं आज की टेक न्यूज. और एक बात बता दूं दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो, पहली बार अभी तक 1000 टेक न्यूज में अभी तक आपने नहीं देखे हमारे टेक न्यूज, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज तो आपको सब्सक्राइब करना ही होगा. वैसे ये टेक न्यूज अच्छी लगती है, लाइक तो आज तो लाइक बनता है दोस्तों 1000वें एपिसोड के ऊपर. आज की न्यूज दोस्तों टिकटॉक से चालू करते हैं. यार टिकटॉक नहीं आने वाला है, इट इज नॉट गोइंग टू गेट अनबैंड. इनफैक्ट दोस्तों बैन तो हो गया, लेकिन उसकी जो पेरेंट कंपनी है बाइट डांस, उनके बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दिए हैं गवर्नमेंट ने. क्यों? क्योंकि उन्होंने टैक्स को इवेड किया है. टैक्स इवेजन के मामले में बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो गए. याद रखिए अभी भी कुछ 1000 लोगों से ऊपर काम करते हैं बाइट डांस में. पूरे दुनिया के टिकटॉक के लिए जो सपोर्ट चाहिए होता है इधर से जाता है, लेकिन फिर भी टिकटॉक इज नॉट कमिंग बैक इन इंडिया, एंड दैट्स गुड. क्या लगता है आपको? पबजी के बारे में बात करते हैं दोस्तों. पबजी लाइट अप्रैल 29 से बंद हो रहा है. यस, पबजी लाइट को शायद ज्यादा रिस्पॉन्स वगैरह नहीं मिला, इसकी वजह से अप्रैल 29 से आप खेल नहीं पाओगे. उनके जो सर्वर्स है पबजी लाइट के वो बंद होने वाले हैं. वैसे भी पबजी वैसे भी बैन था तो वैसे भी खेल नहीं पाते थे, लेकिन 2019 में पबजी लाइट लॉन्च किया था. एंड पैंडेमिक में बहुत सारे लोगों ने, जिनके पास थोड़े छोटे फोन थे, मतलब 10,000 के नीचे वाले फोन थे, वो पबजी लाइट खेलते थे. लेकिन नाउ नो मोर, नो रीजंस गिवन, कुछ रीजन नहीं दिया है पबजी ने क्यों बंद किया इसे. और दोस्तों यूट्यूब ने आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ट्विटर के ऊपर डाल दी. उन्होंने कहा कि ये जो डिसलाइक के काउंट होते हैं, जी हाँ, यूट्यूब के वीडियोस के ऊपर जो लाइक और डिसलाइक काउंट होते हैं उसमें से डिसलाइक काउंट नहीं दिखाएंगे. आई डोंट नो ये अप्रैल फूल के लिए जोक है या फिर सीरियसली करने वाले हैं, लेकिन यूट्यूब ने प्रॉपरली सब लोगों को रिप्लाई वगैरह देके कहा है कि नहीं, ये जो बॉम्बिंग करते हैं, डिसलाइक बॉम्बिंग जिसे कहते हैं कि एक साथ बहुत सारे लोग डिसलाइक कर देते हैं वीडियो को, वो नहीं होना चाहिए. इसलिए क्रिएटर्स ने ये पूछा हुआ है, नॉट मी दोस्तों. मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है. एज अ व्यूअर आई विल हेट इट. जी हाँ, अगर डिसलाइक का काउंट नहीं दिख रहा है, मेरा डिसीजन मैं बेस करता हूँ कि भाई मैं वीडियो देखूँ या नहीं डिसलाइक काउंट देख के. अच्छी बात नहीं. इवन दो आई एम अ क्रिएटर, आई एम अगेंस्ट. दोस्तों आपको पता है गूगल 20 टाइम्स ज्यादा डेटा कलेक्ट करता है अगर आप आईफोन से कंपेयर करते हो. मतलब एप्पल कितना आईफोन से डेटा कलेक्ट करता है और पिक्सेल फोन से गूगल कितना कलेक्ट करता है, अगर ये कंपेयर करोगे तो गूगल 20 टाइम्स मोर डेटा कलेक्ट करता है. जी हाँ, प्राइवेसी मतलब आपका नाम वगैरह नहीं, लेकिन IMEI नंबर, सिम कार्ड इन्फॉर्मेशन, ये सब चीजें जो होती है वो एवरी 4.5 सेकेंड उनके सर्वर पर जाती है. सोचिए, दिस इज नॉट गुड, नॉट गुड एट ऑल. सैमसंग ने दोस्तों उनका आज S20 FE 5G एडिशन विद क्वालकॉम प्रोसेसर लॉन्च कर दिया है. जी हाँ, ये क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर पे आता है. 8GB रैम, 128GB स्टोरेज है. इसकी प्राइस आई हुई है 55,999, लेकिन एज एन इंट्रोडक्टरी ऑफर दोस्तों 8,000 रुपए आपको इंस्टेंट कैशबैक मिलने वाला है. इसका मतलब 47,999 में आपको सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G मिलने वाला है. लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जरूर जाके देखिएगा. वैसे बहुत जल्दी इसका अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशन भी आ रहा है. दोस्तों ये जो अभी चल रहा है, केसेस और भी बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से अब जो ऑफलाइन इवेंट्स होने वाले थे इस साल, विच वर सपोज टू हैपन, नहीं होने वाले हैं. एप्पल ने आज अनाउंस कर दिया कि जून में उनका जो WWDC 2021 होने वाला है वो भी अब ऑनलाइन होगा पिछले साल के जैसे. यस, आई वॉज होपिंग कि कुछ इवेंट्स होंगे ऑफलाइन, लेकिन नहीं दोस्तों, 2021 इज गोइंग टू बी सिमिलर लाइक 2020, एंड दैट्स बैड, वेरी बैड. दोस्तों कल 1 अप्रैल है. जी हाँ, ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांड्स ने कर दिया है. वॉल्क्सवैगन ने अपना नाम खुद का चेंज करके क्या कर दिया था, वोल्ट्सवैगन, वोल्ट, जी हाँ, जो वोल्टेज होती है इलेक्ट्रिक कार्स के लिए. लेकिन आज उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि नहीं, दिस वॉज जस्ट अप्रैल फुल जोक. वैसे ही कुछ लग रहा है कि रियलमी भी कर रहा है. कल से म्याओ 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 हो रहा है. जी हाँ, ये म्याओ आने वाला है, वो म्याओ आने वाला है. आज उन्होंने म्याओ टीवी आने वाला है 100 इंचेस का, ये बताया ट्विटर के ऊपर, ऑफिशियली डाल दिया है. मुझे नहीं लगता है 100 इंचेस का टीवी, म्याओ टीवी,
अप्रैल फुल है, कल पता चल जाएगा. जी हाँ, आई एम टेलिंग यू, आई एम 99.99% श्योर इट इज़ अ जोक. लेकिन अगर जोक नहीं होगा तो क्या? OMG. और हाँ दोस्तों, जैसे कल मैंने बताया था आपसे कि सी सीरीज के 3 फोन्स अप्रैल में रियलमी के लॉन्च होने वाले हैं, वैसे ही कुछ हुआ है. जी हाँ, धीरे धीरे आने लग गए हैं खबरें अलग अलग सोर्सेज से कि 3 फोन्स लॉन्च हो रहे हैं सी सीरीज में, एंड दे आर कमिंग वेरी वेरी सून, शायद सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल. दोस्तों, आज चाइना में रियलमी GT नियो ये लॉन्च हो गया. ये डायमेंसिटी 1200 इस प्रोसेसर पे है. ऑब्वियसली 5G है, 6GB रैम, 8GB रैम, 12GB रैम, ऐसे अलग अलग वेरिएंट्स है. 6.43 इंच की एमोलेड 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन है. और पता है इसकी प्राइस क्या है? 1799 yuan, इसका मतलब 20,000 रुपए. वाओ, आई मीन लिटरली वाओ. और याद रखिए दोस्तों, ये BIS वेबसाइट के ऊपर लिस्ट हो गया, इसका मतलब इंडिया में भी बहुत जल्दी आने वाला है. अगर ये 20,000 में आता है दोस्तों इंडिया में, that will be crazy. That will crush the competition. The cheapest foldable phone is here. जी हाँ, Mi Mix ये सबसे सस्ता foldable phone, proper foldable phone है दोस्तों. आज launch हो गया है चाइना में. 888 processor, 12GB RAM, 256GB storage and 12GB RAM 512GB storage, ऐसे दो अलग अलग variants आए हुए हैं. अंदर की जो screen है बड़ी, वो 8.01 इंच की है. बाहर की जो screen है वो 6.5 इंच की है, जो cover पे जो screen होती है. So it is very much same to Samsung Galaxy Fold. और price जो आई हुई है दोस्तों वो है 9999 yuan. इसका मतलब अगर आप convert करते हो, 1,12,000, 1,13,000 तक इसकी price आई हुई है. I am not sure whether it is going to launch in India or not, बट शायद हो सकता है, और आ गया तो बहुत मजा आएगा. Realme 8 5G दोस्तों, ऐसे कहा जा रहा है कि Realme का जो V13 चाइना में लॉन्च हुआ है, वही Realme 8 5G के नाम से आएगा इंडिया में. और इसकी प्राइस वगैरह जो कह रहे हैं, लीक्ड प्राइस जो है वो कुछ 17,000 के अराउंड है. Dimensity 700 प्रोसेसर पे आता है, एंड 6.5 इंच की IPS LCD डिस्प्ले है इसके अंदर. ओवरऑल अच्छा लग रहा है. 48MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप है, आगे 8MP का कैमरा है. बेसिकली एंट्री लेवल 5G होने वाला है. सो यस, Realme 8 5G इंडिया में भी बहुत जल्दी आएगा, ऐसे कहा जा रहा है. Let's wait and watch. चलिए दोस्तों, आज की हमारी 1000th एपिसोड की जो टेक न्यूज है वो खत्म हो गई है इधर. लेकिन अच्छे ऑफर्स वगैरह जो चल रहे हैं उसके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जरूर जाके देखिएगा. वक्त होता है दोस्तों ऐप ऑफ द डे का. राइडर नाम है दोस्तों, इट्स अ गेम. जी हाँ, मोटर बाइक चलाने के लिए है ये गेम है, एंड 4 अलग अलग मोटर बाइक्स मिलते हैं, आपको चलाते ही रहना है. जरूर जाके देखिएगा इफ यू लाइक राइडिंग गेम्स, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ. दोस्तों, अब वक्त होता है ट्रैक एंड टेक ट्रेजर हंट का. कुछ दिखा आज की टेक न्यूज में, इधर उधर आजू बाजू आगे पीछे अगर दिखा जाइए कमेंट सेक्शन में, #TDDA जाले टाइम से डाले, स्पेसिफिकली हमें बताइए आपने क्या देखा, क्योंकि अगर आप सही हो आप जीत पाओगे पेटीएम का गिफ्ट वाउचर. और कल के हमारे पेटीएम गिफ्ट वाउचर के विनर है ही नहीं, किसने कल न्यूज की थी, किसने? अर्जुन. जी हाँ, ये सब आज इधर ही बैठे हुए हैं. अर्जुन जी, वेरी रॉन्ग, दिस इज द 3rd or 4th time यू आर मिसिंग इट. एनीवेज, जी हाँ, आज के न्यूज में डेफिनेटली है, इसलिए जरूर देखिए और बताइए, पेटीएम वाउचर आप जीत जाओगे. दोस्तों, अब वक्त होता है इस टेक न्यूज के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट का, आपका नाम लेने का, हमारे सुपरस्टार्स का नाम लेने का. कल के हमारे 3 सुपरस्टार फीचर्ड कमेंटर्स हैं, स्नेहाशीष पॉल, योगेश नाग तिलक, अविराज श्रीवास्तवा. कंग्रेचुलेशंस, स्पेशल है दोस्तों, 1000th एपिसोड में आप फीचर कमेंटर्स हो गए हो. जी हाँ, ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए दोस्तों, ऐसे ही रोज मैं आपके कमेंट्स पढ़ता रहूंगा, ऐसे ही आपका नाम लेता रहूंगा, ऐसे ही कुछ लोगों को हार्ट्स लाइक्स रिप्लाइज देता रहूंगा. आज तो कुछ डबल ही देने वाला हूँ, यस, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक एंड कमेंट, डोंट फॉरगेट टुडे. चलिए दोस्तों, आज की हमारी ट्रैकिंग टेक न्यूज एपिसोड नंबर 1000, यस, खत्म होती है इधर ही. अच्छी लगी अभी तो बोलने की जरूरत नहीं, आप करोगे ही, ऐसे रिमाइंड करना मेरा काम. तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ.